अब्दुल्ला के विधायक की हरकत पर भड़क उठा देश। गाया जा रहा था राष्ट्रगान, विधायक करते रहे अपमान। एक्शन में आए एलजी, विधायक की निकाल दी हेकड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमिक न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बने 2 दिन ठीक से नहीं बीते कि सरकार बुरी तरह विवादों में गिर गई है। अब्दुल्ला के नए नवेले विधायक ने ऐसी हरकत शपथ ग्रहण समारोह में कर डाली है जिससे न सिर्फ पूरा देश भड़क उठा बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई और अब्दुल्ला के विधायक के खिलाफ जांच बैठा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए विस्तार से पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल हुआ ये है कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ, उससे पहले राष्ट्रगान चलाया गया। सभी राष्ट्रगान के सम्मान में कुर्सी छोड़कर तुरंत खड़े हो गए, लेकिन इस दौरान अब्दुल्ला की पार्टी के विधायक हिलाल अकबर लोन कुर्सी पर बैठे रहे, जबकि उन्हें राष्ट्रगान गाते हुए चारों तरफ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, राष्ट्रगान गाते हुए सुनाई दे रहे थे। बावजूद उसके भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए नवेले विधायक हिलाल अकबर अपमान करते हुए बैठे रहे और ये अपमान विधायक जी को अब महंगा पड़ने वाला है क्योंकि वक्त रहते ही उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया है, सीसीटीवी जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है पुलिस ने इस घटना पर संज्ञान लिया है जिसमें एक व्यक्ति राष्ट्रगान बजने के दौरान खड़ा नहीं हुआ है। BNSS की धारा 173(3) के तहत पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी की ओर से प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है। तो अब अब्दुल्ला के विधायक के खिलाफ जांच बैठा दी गई है, जल्द आगे का वार शुरू होगा, जिससे घबराए हिलाल अकबर लोन तुरंत सफाई पेश करने सामने आ गए। कह रहे हैं उनका मकसद राष्ट्रगान का अपमान करना नहीं था बल्कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो खड़े नहीं हो पाए। खैर अब ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर विधायक साहब क्यों नहीं खड़े हो पाए थे। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर हिलाल अकबर लोन है कौन। हिलाल अकबर लोन जम्मू कश्मीर विधानसभा में पूर्व स्पीकर और पूर्व सांसद अकबर लोन के बेटे हैं। मोहम्मद अकबर लोन पर आरोप है कि जब वो विधायक थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, तो पिताजी पाकिस्तान के लिए नारेबाजी कर रहे थे और बेटे ने अब राष्ट्रगान का अपमान किया है, तो आप समझ ही सकते हैं बाप बेटे के अंदर कितनी नफरत भरी है। खैर अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। अब्दुल्ला सरकार चारों तरफ से गिरती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने हिलाल अकबर लोन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। राकेश नाम के एक यूजर ने लिखा, इन सभी मुल्लों की गंदी मानसिकता है, दाल रोटी भारत में चल रही है और जहां भी देशद्रोह करने का मौका मिलता है वहां कहीं छोड़ते नहीं है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सवाल उठा दिया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला, उनकी तरफ से अभी तक कोई सफाई सामने नहीं आई है। इसके साथ ही दानिश अली नाम के एक यूजर ने लिखा, राष्ट्रगान पर खड़े न होने वाले विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी हिलाल अकबर लोन की इस हरकत पर भड़क उठी है। खैर अब जांच के बाद देखना होगा कि आखिर पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।